लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। वर्तमान समय में भारतीय कप्तान विराट कोहली और ऑस्ट्रेलिया के स्टीवन स्मिथ को लेकर कई तरह की बहस होती है। क्रिकेट के कुछ जानकारों का मानना है कि भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट के सबसे अच्छे बल्लेबाज है, तो कुछ जानकारों का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया के स्टीवन स्मिथ टेस्ट क्रिकेट के सबसे अच्छे बल्लेबाज है। दोनों के ही करियर आंकड़े बेहतरीन बता दें कि विराट कोहली ने अब तक भारतीय टीम के लिए कुल 86 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, जिसमें उन्होंने 53.6 की शानदार औसत से कुल 7,240 रन बनाए हुए हैं। वह अपने टेस्ट क्रिकेट करियर में कुल 27 शतक लगा चुके हैं। वहीं स्टीवन स्मिथ के टेस्ट क्रिकेट करियर की बात करें तो वे अपने देश के लिए कुल 73 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 62.84 की बेहतरीन औसत से 7,227 रन बनाए हुए हैं। स्टीवन स्मिथ के नाम टेस्ट क्रिकेट करियर में 26 शतक है। अपनी टीमों के लिए है रन मशीन। क्रिकेट के ये दोनों दिग्गज खिलाड़ी अपनी अपनी टीमों के लिए जमकर रन बना रहे हैं और इसी के चलते लोग इन दोनों को रन मशीन के नाम से भी पुकारते हैं। अगर हम 2010 के बाद से आंकड़ों की बात करें तो इसमें सबसे अच्छा औसत ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीवन स्मिथ का है। अगर अर्धशतक को शतक से ज्यादा में तब्दील करने की बात आती है तो भारतीय कप्तान विराट कोहली इस मामले में स्टीवन स्मिथ से आगे हैं। डीन जोन्स ने दोनों को ही बताया महान खिलाड़ी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज डीन जोन्स से जब ट्विटर पर एक प्रशंसक ने पूछा कि स्टीवन स्मिथ और विराट कोहली में से कौन बेहतर बल्लेबाज हैं, तो इसके जवाब में डीन जोन्स ने कहा,